हिंट निकाल के, तो मेरे दोस्तों का इशरार था कि मैं ये सारे अफसाने, मैंने एक 45 पेज का अफसाना लिखा था जो कि इसमें 30 पेज की और लंबी कहानी की परंपरा जिसको हम कहते हैं, तो दो चार लफ्ज तो हमारे आगे पढ़े और जितने भी किया डायरेक्टर टूरिज्म और हमारे साथ देखिए कश्मीरी की कहानियां मैंने बहुत ही मुद्दत से लिखा शुरू किया है, मतलब पहली कहानी तो मैंने 1973-74 में, जो कि मैंने अभी बताया भी था, तब से मैंने कश्मीरी कहानियाँ लिखी हैं, लेकिन मैंने इनको एक तरह कहीं शिराजा में छपी हैं ये कहानियाँ, कुछ कहानियाँ इधर उधर छपी हैं, एक वाक करके एक मैगजीन निकलती है उसमें भी कुछ कहानियाँ छपी हैं, लेकिन मैंने इन कहानियों को एक किताब की सूरत में पेश नहीं किया था। हालांकि कहानियाँ और भी हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 9 कहानियाँ इसमें रखी हैं, तो 8-9 कहानियों से ज़्यादा इसमें मैंने छोटी सी, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत मोटी किताब पढ़ने का वो रिवाज है नहीं, पहले तो अफसानों की किताब बहुत लंबी लंबी होती थी, जैसे कि आग का दरिया जो है वो 400 पेज की 500 पेज की किताब है, लेकिन आज के जब के इंटरनेट और उसके मोबाइल और वाईफाई के मोड में जो हम लोग हैं इस वक्त डिजिटल एज में हैं, तो डिजिटल एज में छोटी किताबों का रिवाज चल गया है, इसलिए मैंने इसको 108-109-10-12 पेज किताब है। मैं इसमें और भी कहानियाँ डालना चाहता था, लेकिन मैंने वो उनको जान के नहीं डाला क्योंकि किताब मोटी हो जाती, लेकिन इसमें जो कुछ कुछ कहानियाँ जो बहुत मशहूर हुई हैं, जो बहुत लोगों को पसंद आई हैं और जिनको क्रिटिक्स ने जिनकी ओर तवज्जो गया है जिनका, उनको मैंने इसमें शामिल करने की कोशिश। क्या कोई कोशिश है अब क्योंकि कुछ सरगर्मियाँ शुरू हो गई? नहीं, स्क्रिप्ट राइटिंग तो कश्मीरी में इतनी खूबसूरत हो सकती है क्योंकि कश्मीरी लैंग्वेज का अपना मुहावरा इतना खूबसूरत है कि इसमें स्क्रिप्ट, फिल्म की स्क्रिप्ट बहुत खूबसूरत लिखी जा सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है। और हमने हिंदी की फिल्में जो देखी हैं या हिंदी की स्क्रीन प्ले हैं या हिंदी के डायलॉग्स हैं वो हमने लिखे हैं, लेकिन कश्मीरी में इतना खूबसूरत मुहावरा है, जैसे कि रोमांस के लिए मुझे कि एक दिन एक दोस्त बता कि कश्मीरी में रोमांटिक सीन लिखा ही नहीं जाएगा, मैंने कहा बहुत खूबसूरत लिखा जाएगा क्योंकि कश्मीरी ज़बान में इतनी मिठास है और कश्मीरी ज़बान की वोकेबुलरी इतनी खूबसूरत है कि एक एक वर्ड में, एक एक लफ्ज़ में इतने मतलब जाहिर हो सकता है, और मुझे लगता है कि इसमें खूबसूरत फिल्म लिखी जा सकती है और कुछ कोशिशें हुई भी हैं और मुझे लगता है कि ये हो सकता है। हम बना नहीं पाए हैं बहुत बड़ी फिल्म जिसे कि आप कश्मीरी में कहते हैं, जैसे कि मोजरात बनी थी बहुत पहले या कोई और फिल्म बनी थी, इस तरह की फिल्म बनी नहीं है। मेरा एक ख्वाब था कि मैं बनाऊँ और खुद ही लिखूँ, खुद ही डायरेक्ट करूँ, अगर ऊपर वाले को मंजूर हो शायद मुकाम। Never miss an update.